कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल पर निशाना साधते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का बड़ा आरोप लगाया, तो साथ ही बीजेपी से इसके स्पष्टीकरण की भी मांग की है। तो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए रोज हमें राष्ट्रवाद का संदेश देती है, ये कैसा राष्ट्रवाद है कि उन्हीं के लोग आईएसआई से पैसा लेकर भारत के लिए जासूसी करें। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों की जमानत को रद्द किया जाना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए उन पर। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी दिग्विजय सिंह ने एक बयान देते हुए कट्टर हिंदुत्व को खतरनाक बताया था। तो आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी करते थे बजरंग दल के लोग, ये आरोप दिग्विजय सिंह की तरफ से। ऐसे कुछ लोग जो कि बजरंग दल कुछ लोग और भाजपा के पदाधिकारी थे और आज भी है, आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे, उनकी जमानतें हो गई। भाजपा के राज में वो कैंसिलेशन होना चाहिए, उन पर मुकदमा पूरा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रोज हमें राष्ट्रवाद का ये संदेश देते हैं, और ये कैसा राष्ट्रवाद है कि उन्हीं के लोग आईएसआई के लिए पैसा लेकर, उनसे पैसा लेकर भारत के लिए जासूसी करें, इसका स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए।